आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है एटीपी का क्या महत्व है। दोस्तों देखते हैं प्रश्न का उत्तर। एटीपी यानी कि दोस्तों इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों ये क्या होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। क्या होती है? एटीपी एक ऊर्जा की इकाई होती है। इसी कारण दोस्तों एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है? तीन फॉस्फेट अणु होते हैं। क्या होते हैं? तीन फॉस्फेट अणु होते हैं, एक राइबोस होती है यानी कि एक शर्करा होती है, राइबोस की एक राइबोस शर्करा होती है और एक एडिनिन होता है कि एक राइबोस शर्करा और एक एडिनिन होता है। इसी आधार पर दोस्तों इसका नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि दोस्तों तीन फॉस्फेट होते हैं, इसी आधार पर इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं और इसे ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है, तो दोस्तों जब श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? श्वसन की प्रक्रिया होती है यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण के फलस्वरूप जो ऊर्जा होती है, श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जिस ऊर्जा का निर्माण होता है, वही ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है दोस्तों? कोशिका तक पहुंचती है और कोशिका के माध्यम से सभी जैविक गतिविधियां संपन्न होती है, क्योंकि दोस्तों कोशिका क्या है? जीवन का आधार है। और दोस्तों कोशिका में जो ऊर्जा उपलब्ध होती है वह एटीपी के रूप में प्राप्त होती है और एटीपी का निर्माण श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप होता है दोस्तों। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों जो एटीपी होती है यह क्या करती है? शरीर में ऊर्जा प्रदान का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये क्या करती है? को एंजाइम की भांति कार्य करती है। किसकी भांति कार्य करती है? को एंजाइम की भांति, कि ये शरीर में को एंजाइम की भांति कार्य करती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एटीपी के एक अणु से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एटीपी के एक अणु से लगभग 8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के अणु से, एक एटीपी के अणु से। जैसा कि दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया था कि एटीपी का क्या महत्व है, दोस्तों हमने देखा प्रश्न का उत्तर। एटीपी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। एटीपी के माध्यम से शरीर की सारी जैविक गतिविधियां संपन्न होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।